हर एक युग के अंदर कष्ट हुए हैं। भक्तों को कष्ट पे कष्ट उठाना पड़ता है। आज नरसिंह मेहता था, नरसिंह जी की कहानियां तो सब जगह सुनते ही हो, तो नरसिंह जी भी एक समाज के अच्छे लोग थे, पैसे वाले थे, बेटी की शादी की थी तो खूब धन दौलत से मतलब भरपूर करके शादी की थी, फिर अपना भक्ति भाव में होकर उन्होंने सबको धन दौलत बांट दिया था अपना, सुनते हैं इतिहास में ऐसा ही, तो मतलब कोई समाज के लोग उनकी इज्जत नहीं करते थे। एक ही लड़की थी, सौतेली माँ थी उसके, जो लड़की की शादी हुई तो मतलब उनके ससुराल वालों ने, लड़की के ससुराल वालों ने सोचा कि नरसिंह जी को भी एक पत्रिका भिजवा दो, बहू का बाप है और लड़की का नाना है, अगर नहीं भिजवाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ गीत भी गाए जाते हैं, नरसिंह जी का मायरा भी बहुत गाते हैं। तो जब चिट्ठी आई तो पत्रिका तो बांच नरसिंह मगन बैठा, और मारा ब्याई सगा याद तो किया, माने मारा ब्याई सगा याद तो किया, मतलब इतने खुश हुए कि देखो आज पत्रिका आई, हमारे संबंधी ने हमको याद तो किया। तो अपनी स्त्री से बोले, भाई तू कुछ कपड़े लत्ते दे दे, देखो नानी भाई के जन्म की माँ तो है नहीं, ना भाई है, कुछ दे दे तो हम चले जाए। वो बोले, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तू जा या मत जा। तो बोले कि अपने साधु समाज से बात करने लगे, मोडों से मोडो मोडो कहके तो उसको पुकारते ही थे। तो बोले, नरसिंह जी हम चलेंगे साथ में, और भाई के घर में जा करके, और अपना भात भी नहीं होगा तो भाई से तो मिलेंगे, जाके शामिल तो हो जाएंगे। तो सारे मोडों को, तो मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लिया हुआ, मतलब नरसिंह जी तो मोडिया ने घेर घेर लिया हुआ, और चूल्हा पाछे बासी रोटी रहन नहीं पावे, एक ने बुलावे मोडा लहरिया बीस आवे, मतलब ढेर के ढेर आने लगे। तो लंगट लग गई काफी, तो बोले क्या चीज में जाएंगे, बोले ऐसे बड़े बूढ़े तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, एक टूटी फूटी गाड़ी थी, और पैदल चलेंगे भैया भजन करते हुए, कोई दिक्कत की चीज नहीं है। तो सारे के सारे और नरसिंह जी के साथ हो लिए, एक गाड़ी थी टूटी उसमें बैठा लिया, तो उसमें से कभी तुम्बा गिरता है कभी वो गिरते हैं, तो तंग आ रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे भक्त का आज ये जाना वहाँ, मतलब लड़की के घर जा रहे हैं और गाड़ी में तंग आ रहे हैं, तो बोला कि देखो भैया मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूँ, मेरे को भी थोड़ा दूर जाना है, तो मतलब गाड़ी को मैं ठीक कर दूंगा, मैं काठ मिस्त्री हूँ, मतलब खाती हूँ मैं, तो मैं ठीक कर दूंगा। तो नरसिंह जी की गाड़ी पवन वेग कर डाली, भगवान ने उसकी गाड़ी एकदम ठीक करके, और उसको अंजाम नगर था मतलब, तो नरसिंह जी वहां से चल पड़े। तो नरसिंह जी बोले कि अरे भैया देखो पैसा वैसा तो मेरे पास है नहीं, और नरसिंह बोलो भजन सुना दू, नरसिंह बोलो भजन सुना दू, नहीं मेरे पादाम भाई रे मैं हार गया, बोले दाम वाम तो नहीं है, भजन सुना देता हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले मेरे को पैसे की दरकार ही नहीं है, और किसनों पाछो चाल पड़ो कर भक्ता ने प्रणाम भाई रे मैं हार गया, भक्तों को बोला आपके भजन से खुश हो गया मैं, और प्रणाम करके नरसिंह जी वापिस, कृष्ण भगवान वापिस चले गए। वहां गए तो वहां लड़की के ससुराल में पता चला कि ओहो नरसिंह तो आ गया, और साथ में एकदम साधु संतों को लेकर के टोली की टोली, तो सब ठट्ठा उड़ाते हैं, उसका देवर बहुत बदमाश था नानी भाई का, सुनते हैं। तो बोला वो क्यों नहीं आएगा, खाने को मिलेगा यहाँ, तो बोले यार शहर में ठहराना तो अच्छा नहीं है, गांव के दूर में थोड़ी झोंपड़ी वोपड़ी है वहां उसको ठहरा दो, बोले ठीक है। तो वहां उसको ठहरा दिया, नरसिंह जी को ठहरा दिया। अब शादी में तो टाइम टाइम का खाना पीना चलता है, काफी भोजन का प्रबंध रहता है, तो बोले कि वहाँ वो बेचारा सूखी पाकी खाता है, और आज बुलाना भी ठीक है, घर में कोई उत्सव था शादी का, तो बोले नरसिंह जी को भी बुलाया जाए। तो जाकर के नाई का लड़का गया, बोले नाई को जाकर के या कही आज को तो जीवन मारी अवेली करो। तो नरसिंह जी सब अपने साथियों को बोलते हैं कि चलो संबंधी का बुलावा आया है, तो मतलब आज नगर में चलते हैं और लड़की के घर पे जा करके उत्सव देखेंगे। तो ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे धरो, और ब्याह कर जाने को नरसिंह मत तो करो, ब्याह कहते संधि को, जा करके मतलब गेट के ऊपर खड़े हो गए,
तो पहले ये सिस्टम था, आजकल भी है, कोई भी रिश्तेदार आता था तो घर की बड़ी बूढ़ी औरत टीका निकालती थी। तो नानीबाई की दादस थी, बूढ़ा बयान जी उठ करके आर तो करो, नेक को रुपयो समझी मान्य उड़े दो। तो उसके साथ दादस ने पैसा मांगा कि रुपया दीजिए, तो नरसिंह जी ने जवाब दिया, देबाने देबाने समझन राम जी को नाम, तुलसा की माला फेरा सागे शालिग्राम। इतनी कैसे समझन रूस गया, करेड़ा तिलक पाछा पूछ लिया। तो नरसिंह जी को बड़ी शर्म आई, इंसल्ट हुई और बड़ी तकलीफ भी हुई। बोलो अच्छा मारा राम जी, तू निर्धन करया, करेड़ा तिलक मारा पे पूछ लिया। फिर भगवान का बल आ गया तो बोलता है, इसड़े तिलकारो समझन काई पूछो फेर, मतलब ऐसे तिलक का फिर से तुमने क्या पूछा मेरे माथे से, मारे तो तिलकारे चंदन लागे सवा से, सवा शेर चंदन का तिलक रोज करता हूँ, चंदन तुम किस बहन में हो। तो मतलब लोग के समाज के सब लोग वहाँ जुटे हुए थे, समाज के लोगों ने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा संबंधी था, आखिर तुम्हारी बहू का बाप था, बेचारा कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ब्याई जब तो काफी धन दौलत दिया था लेकिन अब इसने त्याग ही दिया, तो इसकी इंटरेस्ट तो मत करो इस तरह से। तो वो देवर बोला बीच में पढ़ करके, अरे मायरो भरतो ने गणी आवे भार, और नुत्ता पठावा मोडो जिम्बा ने त्याग। निमंत्रण देते हैं तो खाना खाने के लिए एक मिनट में आ जाता है, और जब नेग होता है कोई तो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसको मैंने खाने के ऊपर भी नहीं आना चाहिए था। तो काफी लोग कह रहे हैं मोडा 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 कह करके नानी बाई को एकदम लज्जित कर रहे हैं, लोगों को तमाशा मिल रहा, परिवार के लोग ही तंग कर रहे थे, दूसरे नहीं परिवार वाले ही थे। तो परिवार सब जगह सब टाइम ऐसा ही रहा है। तो अब पुत्री को दुख हो रहा है कि देखो क्या मेरे बाप की और इज्जत थी और क्या इज्जत आज ये लूट रही है, इससे अच्छा तो नहीं आता। तो पुत्री दौड़ के पिता कने गई, माने मारा बाबा जी मोडिया की गई, मतलब मोडे की बेटी, मोडे की बेटी कहकर का मैंने सब छिड़ा रहा है। तो नरसिंह जी बोले मोडिया की कैसे भाई, काई मानो रीस, मोडियो तो ठाकुर जी को विश्वाभीष, तुम इसमें बुरा मानने क्या चीज है बेटी, उसको सांत्वनी दे रहे हैं और चुप करा रहे हैं कि ऐसे क्रोध में मत हो। बोले पिताजी ऐसे नहीं चलेगे, आपको आने नहीं चाहिए था, मोको लजावन आए हो पिताजी मोरे, मोको लजावन, हे पिताजी मेरे को लजाने के लिए आप आए हो। नरसिंह जी की भी आंखों में पानी आ गया, बोले बेटी कुछ भी नहीं है, बाई था से मिलने आ गया, बाई था से मिलने आ गया, मारे दमड़ी नहीं है पास, नरसी लोला जाम रे पर बाई ने धीरज दे गए। बोले पिताजी नहीं चलेगा इन बातों से काम, आपको कुछ न कुछ समाज के अंदर मेरा करना होगा, आप ये क्या सोच रहे हैं घर वालों की जाकर के हालत देखिए। तो नरसिंह जी ने सोचा कि आज भगवान मेरे इतनी इतनी इज्जत बचाई है, इस टाइम वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मतलब दुखी हो करके प्रार्थना करे, हरे मारा नटवर नागरिया भगता के क्यों नहीं आयो रे, हरे मारा नटवर नागरिया नरसिंह के क्यों ना आयो रे, सैन भगत के मामो लागे जय को खेत निप जायो रे, कर्मा के तेरी काकी लागे जय को खीचड़ खायो रे, अरे मीरा के तेरी मौसी लागे, तरह तरह की बात बोल रहा है, रोता जा रहा है, और सैन भगत के तेरो काको लागे, तो तू जाकर के वो नाई था सैना नाई, और नर्क का केस संवारे, राजा का केस संवार दिया जाकर के, मतलब हजामत बनाती वो नहीं जाने सका, भक्त था वो भी। तो बोला अरे नरसी भाई रो बात बरण तन जोर घने आवे रे, अरे मारा लटवर नागरिया सगा मैं क्यों लजावे रे, समधी के सामने सगा संबंधियों के सामने क्यों मेरी लाज ले रहा है। तो मतलब सब गा रहा है, नरसी जी बोले भाई जा करके तू और तेरे परिवार से पत्रिका लिखवाला, और वो मैं बात का इंतजाम सोच रहा हूँ कर दूंगा। तो गई पुत्री जाकर के ससुराल में, बोले कि आप लोग जल्दी से और लिस्ट बना दो क्या क्या चाहिए। बोले अच्छा, अब लिस्ट भी बनाने की तैयारी होने लगी,
तो वो लिखते हैं इतना सोना, इतना गहना, इतना कपड़ा, इतनी पगड़ी, इतनी साड़ी, इतनी लहंगा, इतना वो जो भी कुछ, बोले और भी लिखो। अरे रास्ते में जो जा रहे हैं सबको दिलाओ, नरसी भात भरने आया है मोडा, देखो क्या तमाशा करेगा। अरे तेली ने तमोली लिख दो, धोबी ने लुहार, और रास्ता जातड़िया ने भी लिख दो सवा सवा मन धान, कोई रास्ते से जाएगा उसको भी सवा मन धान देंगे, इतना लिख दो। और नानी बाई कद में छोटी थी, और ये भी लिख दो, ताकि तो नानी बाई कद में छोटी, तो मतलब मारे छिक्का सा चीज को नहीं, छिक्का होता था पहले, बाकी ताई लिख दो सोने की कोठी, मतलब चढ़ने के लिए टूल मंगलवार में सोने की। बहुत बहुत लिख करके जा करके नरसी जी को वो पकड़ा देती है, और वो गा ही रहे थे, शालिग्राम की मूर्ति के ऊपर रख दिया, और रख करके रो रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, ठाकुर जी को रिझा रहे हैं कि तू मेरे को पता नहीं था तू ऐसी लाज लुटाने के लिए और मेरे को यहाँ क्यों आने की प्रेरणा दी, मैं आता ही नहीं। नानी बाई को बोले कि भाई टाइम पे जो होगा ना वो सब कुछ करूँगा, तू दुखी मत हो। तो नानी बाई लेकर के मटका और सरोवर के ऊपर चली गई जल भरने के लिए, तो वहां जाकर के बिलाप करती है कि जल भरू डूब मरू मेरी माँ, मैं नरसी की बाल की, मैं नरसी की बाल की, जल भरू डूब मरू मेरी माँ, मैं नरसी की बाल की। अरे आज मेरे जन्म की माँ होती तो दो चार कपड़े तो मुझे जरूर भिजवाती, देखो इस पिता ने मेरी कितनी लाज दी, ले ली सारी। और सूगा बैठा है, पक्षी बैठे हैं, उनसे भी कहती है, अरे सुवटिया तू चढ़े आम लड़े थे, तू चढ़ डाल पे थे, रे तू देख रे मर गिर धर बीरो हाव तो मतलब बिलाप कर रही है। उधर नरसी जी जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान चौसर खेल रहे थे, द्वारका में खेल रहे थे या बैरपुर में खेल रहे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कहा तक चौसर खेल रहे थे। तो चौसर खेल तो तेर सुनी नरसी की, और मुख से निकली आरत वाणी, मतलब हार करके उठे। तो राधा रुक्मण बोली, प्रभु क्या क्या हो गया प्रभु? तो बोले मारे तो भक्ता में राणे भीड़ पड़ी, और माए ले जानो माने ईद की घड़ी, एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा, एक सेकंड में मेरे को जाना है और भात भर के आना है। तो राधा रुक्मण जोड़े दोनों हाथ, माने भी ले चलो मारा गोपियां का नाथ, प्रभु हमको भी लेके चलो। तो बोले थे तो ये जानोगी मारो पति भगवान, और नानी बाई की सासु आगे कर लो पड़सी काम, वहां तुम्हारी ये सेठाई नहीं चलेगी, वह काम करना पड़ेगा और वहां सब कुछ सुनना भी पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो जब नानी बाई बिलाप कर रही थी सरोवर के ऊपर, तो सुआ चा चा करके उनको मतलब इशारा दे रहा है, तो इशारा दे रहा तो उसकी तरफ देख रही है कि सचमुच ये कुछ मुझे कह रहा है, तो उधर से देख रही है तो गिरधर की चमकी बीटड़ी, पर राधा रुक्मण को दक्षिण चीर, भगवान के हाथ में अंगूठी थी उस हीरे की चमक वहां सरोवर तक पहुंची, और राधा रुक्मण के वस्त्र जो थे उनके गहनों की और उनकी चमक की वो पहुंची, और रुन झुन दैल हकाए के प्रभु आया सरोवर की, मतलब इतनी देर मिनट के अंदर ही, और सरोवर की तीर के ऊपर और रथ को रुकाया। रथ को रुकाया तो चकित हो गई देख के नरसी बाई नानी बाई, तो बोले है कि भाई जरा सुनो ये अंजार नगर कितनी दूर है। बोले महाराज आप अंजार नगर का रास्ता क्यों पूछ रहे हैं? वो अंजार की थी मतलब गाय थी। तो बोले कि भाई हमको भात भरने के लिए जाना भजन है बेटा, लेकिन मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ कि स्टोरियां भक्तों की, कि भात भरने के लिए जा रहा जाना है। बोले किसके? बोले नरसी जी मतलब श्री रंग जीरा पावनार नरसीरा मेहमान, और नानी बाई का भात भरने जावांगा नगर अंजार। तो वो चकित हो गई, बोले नानी बाई तो मैं ही हूँ, श्री रंग जी मेरे पति हैं, नरसी जी मेरे पिता हैं, और आप किसके यहाँ जाओगे प्रभु? सच्ची बताओ, मन साची बताओ महाराज कुनारे आया पावना, मन साची बताओ महाराज कुनारे आया पावना। बिलाप कर रहे भगवान से चिपट गई कि हे प्रभु सच्ची बतलाइए किसके आ जाएगी, मेरे भी भाई नहीं है, तो आप कहीं नरसी जी का नाम लिया तो कोई मेरा भाई आया है क्या? जब भगवान ने सारी चीज समझाई कि भाई घनो भरूंगा माहेरो और देऊंगा मतलब नाम कमाए, तेरा नाम अमर हो जावेगो,
और जाला जाला जा भाई घर आपके और देखो वर्षु भात। अब देरी मत कर, टाइम हो गई तो ससुराल वाले तेरे के ऊपर चिल्लाएंगे। मतलब तो गई जाकर के बोलती सासू जी मारो भाई आगो, मारो भाई आगो, भाई आगो। पूरे गांव में बहुत शादी आ गया होगा, कोई भाई किसको भाई मानती है। छत पे चढ़ गई और कह रही है कि वो देखो वो आ रहा मेरे भाई का रथ। घर में जाकर के एकदम से उछल कूद मचा रही है कि मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, सासू जी मेरे भाई आगो, मेरे भाई आगो। छत्ता के ऊपर चढ़ गई और वो देखिए मेरी भाभी भाभियां बैठी है, मेरा भाई बैठा है और रथ आ रहा है। तो गांव में बहुत शादी, इसको बकने दो, जैसे कर रही है वैसे करने दो। देवर बोला तो नीचे उतर छत से, कहीं छज्जा टूट पड़ेगा, हमारे ब्याह में भंग पड़ेगा, मुंडा ऐसा भात भरेगा, मतलब ऐसा भात भरेगा, छज्जा टूट जाओ तो ब्याह की तैयारी में विघ्न पड़ जाओ। तो मतलब ताना बोली से तो कसी हुई थी, लेकिन मन में उमंग खूब छा रही थी। तो इतने में भगवान घर के सामने आ गए, सेठ का रूप धारण करके, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो। तो नारायण देवर दौड़ो रे नारायण देवर आगल दिनी खोल, कहो जी सेठा जी था के कापड़ा रो मोल। बोलो सवा सवा गज कापड़े का रुपया हजार, साप्त थान का बाला अंतन पार। तो बोले अच्छा इसा महंगा कापड़ा तो नरसी मत तो देसी, और रोकड़ी का पीछे था ने थोकड़ी गिन देसी। तो नरसी जी बोलते है, भगवान बोलते हैं, अरे नरसी जी आया रे बाला कहीं भी नहीं, मेहता जी आया मैं मिलता तो सही। बोले थारी तो नरसी की, सेठा कब की पहचान? बोले आपकी कब की पहचान है? बोले वो पहले बहुत पैसे वाले थे, हम मुनीम रहते थे, हमारे ऊपर ज्यादा कृपा थी उनकी। तो बोले सेठ ये मोड़ी है नरसी से, सेठा मत करियो व्यवहार, माथे ऊपर टोपी नहीं पुन्ना में नमो, वो एकदम गरीब है और आपको एक पैसा भी नहीं देगा। बोलो नहीं देगा तो देवे वो तो ले जैसा नहीं कर जैसा उधार, मोड़ी है नरसी की तो भैया हमारी पुरानी पहचान, उसकी पुरानी पहचान है। तो मतलब तुम चिंता तुम जल्दी बतलाओ, लेकिन वो तो उलझा रहा था कि ये कौन आ गया क्या है इतना सब लेकर के। तो जब वो बाहर में बातचीत हो रही थी तो भीतर में वो साधु संत जहाँ बगल में पड़े थे, बिचारों ने बोला देखो जी सेठा की बतलावन सुनकर। सूरा स्वामी बोला देखो जी नरसी जी बारे नरसी किसनों खाती बोले, किसने खाती जैसी आवाज आ रही, जिसने अपनी गाड़ी ठीक करी थी उसकी आवाज है, तो आप जाकर के देखिए। तो नरसी जी दौड़ के आए, देखे तो भगवान खड़े हैं, पहचान गए हृदय में। और भगवान जल्दी से वो लेकर के जो गठड़ी थी कपड़े की वो नरसी जी के सामने रख दी और बोले। तो नरसी जी देख करके खुश भी हुए और भगवान पे गुस्सा करने लगे, इन्ने मेले गांठड़ी हो इन्ने फिर जावे और बादिल भक्ता को ठाकुर कहीं आए मनावे, कैसे मनाए? बोला ले जा गांठ तिहारी, ले जा गांठ तिहारी, गांठ तिहारी, गांठ तिहारी, मोड़ो कहीं आयो गिरधारी, ले जा गांठ तिहारी, ले जा गांठ तिहारी। अरे इतनी देर करके क्यों आए, ले जाओ मेरे को नहीं चाहिए। बोलो और सगा ने महल मालिया, गादी तकिया न्यारी, पर नरसी जी ने टूटी टापरी, बाबी गा मुझसे न्यारी। समधी ने जो हालत की थी वो बतला रहा भगवान को। नरसी जी ने टूटी टापरी, बाबी गा मुझसे न्यारी, और सगा ने लाडू पेड़ा सत पकवानी न्यारी, और नरसी जी ने बासी खिचड़ी बाबी लून से खारी, ले जा गांठ तिहारी। अरे ब्याई सगाम में हुई किरकरी, माटी छेती मारी, ले जा गांठ तिहारी, गांठ तिहारी, गांठ तिहारी, गांठ तिहारी, ले जा गांठ तिहारी, मोड़ो कहीं आयो गिरधारी। भगवान देखते हैं ब्याह की तो अब भात भरने की तो टाइम हो गई, इन्ने मेले गांठड़ी हो इन्ने फिर जावे और बादिला भक्ता ने ठाकुर कहीं मनावे। भगवान देखिए अब तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, तो प्रेम में दुख में पागल हो रहा है। तो भगवान ने एक तरकीब सोची, ठाए लीनी गांठड़ी और चाल पड़े गोपाल, और नरसी जी देखी रे मट्टो लैड़ी ले जाए, फिर तो लैड़ी ले जाए अब तो सारा काम बिगड़ जाएगा। जब भगवान के चिपट के भोला पैरों पकड़ करके कि थासे जी गोपाल लाल रूसिया ना सर है, थासे मारा सांवरिया रूसिया ना सर है, छोटी छोटी तुम्बड़ी, बड़ी बड़ी तुम्बड़ी, छोटी छोटी तुम्बड़ी सब इकट्ठी कर ली मोटों से, छोटी छोटी बड़ी बड़ी तुम्बड़ी भेंट करे
और छोटी छोटी तुमड़िया निचरावल करे थासे मारा सांवरिया जी रुसिया ना सर। बोलो ठीक है मनवार हो गई मेरी, अब चाल नरसी जी चलो अब बाई के भात बरा। तो जाकर के खूब रंगों की चुनड़ी और नानी बाई को उठाने की, तो बोलो भाई जो वो लिस्ट थी ना भगवान को नरसी जी ने दे दिए लिस्ट लो। तो बोले कि देखो गांव में जितने भी दुकानदार हैं, मतलब गहने वाले कपड़े वाले नाज वाले जो भी चीज इसमें लिखे उनको सबको कर दो, और नरसी जी ये थैली भगवान के हाथ में है, और नरसी जी आप सबको बुला बुला करके और उनका पेमेंट करते जाओ। तो भगवान के कहने से नरसी जी पेमेंट कर रहे हैं और भगवान निकाल निकाल करके रुपया वो सब दे रहे हैं। तो मतलब देख करके और अचंभित हो रहे हैं सारे गांव के लोग। तो वो देवर सोचा कि इसकी सुमरनी जो है हाथ में ये थैली, इसके अंदर कोई करामात है, इतना रुपया थोड़ी भर के लाया था है। तो गुस्से हो गया नारायण देवर, गुस्सा हुआ कि हाथ की सुमर बाई को नारायण देवर रूस गए हो और हाथ की सुमरनी ठाकुर माने उड़े दो। भगवान ने नकली थैली उसको दे दी, तो उसमें से निकालता एक भी पैसा नहीं निकल पाता। बोले जादूगर है मोटा, इसके साथ जादूगरी से ये आया है। बोले ये कौन सेठ आया है, क्या कर रहा है, मतलब जो भी कुछ है। बहुत बहुत गाने भी है इसके ऊपर, भजन अच्छे अच्छे हैं सब, लेकिन मैं उनको सुनाने में एक स्टोरी सुना रही हूँ कि भक्तों की क्या क्या मट्टी पीट होती है। वो भात भर दिया, आनंद हो गया सब। तो रात में किसी पड़ोसी के यहाँ लड़की हुई, तो नानी बाई को सुना सुना के बोल रहे मेका ही जाना नरसी भात भरियो और काल की जाई ने नहीं कापड़ो दियो। कल लड़की पैदा हुई थी हमारी बगल, मतलब बहू के, उसको कपड़ा नहीं दिया। तो पुत्री दौड़ के पिता के ने गई, एक मारा बाबा जी कापड़ ला मिल रही। तो बोलो मायरों बरियाना हुई दो घड़ी, इतनी बेड़ा में क्या पर पटकी पड़ी, इतनी जल्दी किसको पैदा हो गई लड़की, अभी तो भात भर के गए ही है। तो बोलो भाई तेरे कुटुंब से तो मैं बहुत डरता हूँ, अब मेरे पास तो डेरे में तो कोनी भाई आंगण को भी तार, और तुम्बड़ा चाहे तो ले जा दो एड़ चार, डेरे में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो नानी बाई बोली फोड़ तेरा तुम्बड़ा सर है ना मेरो काम, कापड़ला बिना तो बाबू जावेगी मारी लाज, मतलब लाज जाएगी, इतना भात भरा है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो बोलो ठीक है ये जो मेरी झांझ है बजाने की मंजीरा ये ले जा और इसको बेच करके उसको कपड़ा दे देना। बोलो और क्या करूं मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब की बार तो आ गया, आगे किसी रिश्तेदार के नहीं जाऊंगा। नरसी जी बोलते हैं भगवान को भी कितनी दफे कष्ट दूंगा। तो वो ले जा करके पिंड छुटाया, फिर भगवान को कहते हैं ताली बजाते, पहले तो झांझ से करते थे अब ताली बजाते हैं कि तू या मत जाने सांवरा भात में भरे हो और मेरी ताला से तेरो काम चलो। तुम भात भर के गए इतना ठीक है, लेकिन मेरी जो ताल थी वो मुझे देनी पड़ी, तो मेरी ताल से काम सरियो तेरो। जब भगवान दर्शन देते हैं नरसी जी को, बोलो क्या चाहते हो, बोले सारी गांव को तृप्त कर दो, इनको तृप्ति हो जाए मेरी बेटी के, गांव वालों का ऐसा करो। तो सुनने में आता कि सवा पहर कंचन की बारिश हुई वहां, अब क्या हुई क्या नहीं हुई, वो भैया ने गुजरात के थे नरसी जी, अब क्या है क्या नहीं थी। लेकिन भक्तों की स्टोरियां एक से एक स्टोरी भरी पड़ी है। मीरा राजघराने की थी सब जानते हो, राणा उसका देवर था, क्या क्या उसको कष्ट दिया, विष दिया, सांप भेजे, वो आकर के वृंदावन के अंदर रहने लगी, ये तो सब जानते ही हो। और कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो राणा जी कष्ट देते थे, मतलब कितना सब समाज में ऐसा ही हुआ है। राणा जी को सपना आया कि मीरा तो साधुओं की संग नाच रही है, तो निकले घर से, निकले तो देखे तो आगा आगा तो सुरैसामी नहर में मीरा बाई और नाचती हुई जा रही है। तो आई राणा जी ने रीस काट कटारो मीरा के ऊपर, हाँ क्यों एक मीरा की हो गई हजार, कुणसी न मारो का कुणसी न छोड़ो वा राणा साहब, थारी हो वा मारो राणा साहब, पर हाथ न लायो दूजी नार के मीरा। तो मतलब एक से एक भक्त हुए हैं, भक्तों की परीक्षा भगवान लेते हैं लेकिन बात नहीं जाने देते हैं। भक्तों का और भगवान का एक ही हो जाता है, हृदय भगवान से भक्त का तार मिल जाता है भैया। तो भगवान की लीलाओं का अंत है, बाबा जी की लीला में हमको ही नहीं, हमारे जो बाबा जी के भक्त हैं कितने, उनके ऊपर कितने संकट आते हैं, उनकी कितनी परीक्षा लेते हैं, कितने काम करते हैं, वो आते हैं कि बाबा जी ने ऐसे किया वैसा किया,
देखिए क्या चमत्कार किया, चमत्कारों की बारिश बाबा जी की हर घर में, हर भक्तों के यहाँ हो रही है। बाबा जी की पूजा घर घर में हो रही है, बाबा जी का तेज घर घर में बरस रहा है। देखो भैया, भक्तों की महिमा भगवान के साथ जुड़ी हुई रहती है, और भगवान और भक्त का एक ही हो जाता है सारा। जो भगवान इशारा देते हैं उसी के ऊपर भक्त और चलता है। लोग उसे पागल भी कहते हैं, तंग भी करते हैं, ये तो परंपरा से चलती आई है। आज 400-500 साल पहले भक्ति काल चला था, जब ये नरसिंह जी, मीराबाई, रैदास, कबीरदास, सूरदास, इनकी भक्तियों में क्या क्या बाधा नहीं आई। सब बाधा भी करते रहे, बतलाते भी गए, तो युग युग में सब चीज होती है। अब जैसे रैदास थे, रैदास कबीरदास इनका तो नाम जानते हो, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो रैदास के घर के ऊपर एक दफे, कबीरदास के घर के ऊपर एक दफे कोई काशी से पंडित पढ़ के आया, तो उनके यहाँ आसरा ले लिया उन्होंने। आकर के ठहर गए, पहले होटल ठहरने के जगह ये तो थी नहीं, किसी के भी यहाँ विश्राम कर लेते। तो बस भक्ति भाव का सा घर देखा, उसके यहाँ ठहर गए, पानी वानी पी लिया, खाना वाना खा लिया, फिर बातचीत होने लगी, भाई क्या काम धंधा है तुम्हारे, क्या भक्ति है सब ये चीज। तो बोले कि देखो मैं तो जुलावा हूँ और कबीरा मेरा नाम है। तो जुलाए का नाम सुना, कबीरा उसका नाम है, तो मतलब पंडित को बड़ा पछतावा। वो चारों गेट पढ़ के आया था वहां से, काशी से। तो उससे बोला कि देखो मेरे को तो धोखा हो गया, मैं तो सोचा कि आप कोई भगवान के भक्त, और जाति पाति मैंने पूछी नहीं, और आपके यहाँ ठहर गया, और भी कई बातें कही। तो कबीरदास जी बोले, अरे छान पियो क्यों ना पानी रे, ब्राह्मण पूछ पियो क्यों ना पानी रे। तूने पहले छानबीन करके पानी पीता मेरे घर का? फिर बोला कि तुम पंडित हो, मैं एक दो बात आपसे पूछता हूँ। अरे चोको देकर करी रसोई, खूब करी अछुताई जी, उड़ मक्खी भोजन पर बैठी, डूब गई पंडताई जी। मक्खी सब जगह बैठती, आके तुम्हारे भोजन पे बैठ के भोजन तुम फेंकते क्यों नहीं हो? कुछ जवाब नहीं दिया, जवाब ही नहीं मिला। फिर बोला तुम गाय का दूध पीते हो? बोले हाँ जरूर पीता हूँ, गाय का दूध तो इतना उत्तम। उसने ये सब बातें कही। तो बोलो देखो, हाट जुरे और मांस जुरे और खाल जुरे, दूध आवे जी, तू पंडित काशी का कहिए, वो माखन क्यों खावे जी। अरे गाय का दूध पीते हो, लेकिन वो कितना कैसे निकलता है, क्या उसकी हाड़ मांस चाम सब जुर लेते हैं जब निकलता है, तो तुम काशी के पंडित हो, तो वो मांस से झुरा हुआ दूध क्यों पीते हो, उसको तुम एकदम उत्तम मानते हो? जवाब नहीं मिला कुछ भी पंडित जी को। फिर बोले कि देखो मेरा तो काम जुलाए का है, मैं तो बता ही दिया। तो पहले ये कारखाने भी मिले ये तो नहीं थी, कपड़े वो लोग ही बीनते थे सूता मतलब। तो बोले कि हाथ के सूतन, पैर के सूतन, सिर सूतन का हारा जी, गल की जनेऊ काट दे ब्राह्मण, ये भी सूत हमारा जी। जनेऊ को तुम बहुत उत्तम मानते हो, ये हमारी बनाई हुई है सूता, इसकी जनेऊ तुमने बना के गले में डाल रखी हो, ये निकाल दो। तो उसको जवाब नहीं मिलते, सोचो आत्म ज्ञान दे रहा है कबीर जी। तो बोले मतलब उसने बतलाया, देश देश फिर आयो ब्राह्मण, कित बिन सतगुरु पायो जी, धन्य धन्य ओ कबीर का जाया, तू मन ज्ञान बतायो जी। तो मतलब भैया जाति पाति वेशभूषा ये नहीं होती है, भक्त शिरोमणि ने जात पात का कभी भेदभाव वैसे नहीं रखा, लोक व्यवहार में रखना पड़ता। एक दफे बोले कि ठीक है ब्राह्मणों की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन धर्म को मतलब तिलांजलि दे देते हैं, और जहाँ जो भी कुछ होते उन ब्राह्मणों से तो भंगी भी अच्छा है। तो एक दफे बोले भंगी, आज मेरे परिवार वालों ने, घर वालों ने, समाज वालों ने भक्ति का भाव जानते नहीं है, भक्ति की लीला जानते नहीं है, तो इससे तो ये भंगी अच्छा। तो भंगी को बुला, भंगी आता था घर में रोज, उसको बुलाया, बुला करके बोले आज तुम एक दफे झाड़ू रख दो और लो कपड़ा देते हूँ नया,
और साबुन की बेटी तुम नहा करके आ जाओ, आज तुमको भोजन करवाऊंगा मैं। 4 महीने तक तुलसी चढ़ाई थी भक्त शिरोमणि ने शालिग्राम के ऊपर, तो उसका उत्सव मनाना था कुछ, तो फिर देख करके विचार ब्राह्मण के बोले कि इतना इतना इनका आदर सत्कार, लेकिन भक्ति का और धर्म का कोई जवाब ही नहीं इनके पास। तो उस ब्राह्मण उसको भंगी को अच्छी तरह से जिमा करके अपने हाथ से और उसकी थाली मली और मल करके उसको रुपया पैसा कपड़ा लत्ता दे करके उसे विदा किया। वो एकदम चेहरे की तरफ देखता है, बोले देखो आज के लिए ये कर्म छोड़ दिया तुमने, मतलब मैंने जो मंदिर में झाड़ू नहीं लगवाई, तुम्हारा जो कर्म है कल से वो सब करना, ये आज के लिए ही था खाली। तो उनके विचारों का भैया क्या है, कोई भक्ति का दिखावा थोड़ी होता है, भक्ति तो भगवान के साथ में और भक्त और भगवान का तार जुड़ जाता है। ऐसे ही रैदास थे, रैदास कबीरदास, इनका तो नाम तो खूब सुना, खूब इनकी कविताएं हैं, खूब इनके भजन है। तो रैदास के पास काफी गांव के लोग आते थे, ज्ञान की बातें करते थे, सुनते थे, वो अपना काम करते जाते, सत्संग करता जाते थे। एक रोज राजा की तरफ से लुंडेरा पिटा कि गंगा स्नान करने तीर्थों में जा रहे हैं राजा, तो मतलब कहलाया है कि जो भी कोई चलना चाहे राजा लेके जाएगा, उनको चल सकते हो। तो रामदास बोल करके एक उस कबीर रैदास का दोस्त था, तो रामदास ने आकर के कहा रैदास जी देखो राजा की तरफ से और तीर्थ यात्रा जाने का आदेश हुआ है, सब जा रहे हैं, खर्चा भी नहीं लगेगा, स्नान करेंगे, साधु संतों का दर्शन करेंगे, आप भी चलो। वो बोले भैया देखो मेरे को तो मेरे धंधे से फुर्सत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग हो आओ। और ये वहां जाओ तो ये टक्का बोलते थे, जैसे पैसा रुपया होता है ऐसे सिक्का, मतलब ये टक्का है मेरा तो ये गंगा जी को दे देना और आवाज दे के देना गंगा माता ये रैदास ने भेजा है। तो बोले ठीक है। तो वहां गए, दान पुण्य यज्ञ हवन, राजा का तो देखो दान होता है, प्रजा का स्नान होता है, मतलब प्रजा के पास जितना दान होता है उतने मतलब एक स्नान से उसका दान माना जाता है। कहावत है कि राजा दान करे प्रजा स्नान करे, उसमें सब कुछ हो जाता है। जब सब हो गया आने लगे तो उसको रामदास को याद आए, बोले हो रैदास ने मेरे को टक्का दिया था, मैं गंगा जी को नहीं चढ़ा। दोस्तों ने कहा रहे क्या तो टक्के का मतलब है, वो रखते हो इतना इतना दान पुण्य यहाँ की मतलब तीर्थ में जितने साधु संत सब तो तृप्त हो गए राजा के दान से, उस टक्के का गंगा जी को क्या मतलब वो रखते हो, छोड़ो। बोले नहीं भाई मेरा दोस्त था वो और दोस्ती के हिसाब से उसने आदर से दिया है, मैं चढ़ा के आऊंगा। तो गंगा जी के घाट के ऊपर गया और जाके बोला हे गंगा माता ये रैदास ने और तुम्हारे लिए टक्का दिया है। तो गंगा जी ने हाथ निकाल करके वो उसके पैसे टक्का और ले लिया, टक्का ले लिया और बदले में उसको कंगन दे दिया। बोले देखो रैदास से बोलना ये कंगन गंगा माता ने दिया तुम्हारे लिए। तो वो बड़ा खुश हुआ, लेकर के आ गया, लेकिन मन में कपट आ गया। वो देखा रैदास की तो काम की चीज ही नहीं है, राजा को दूंगा कुछ दिन बीत जाने के बाद में, तो पता नहीं राजा मुझे कौन सी पोस्ट दे देगा, कितना धन दे देगा। तो उसने वैसा ही किया, ले जा करके राजा को बोले महाराज ये कंगन मेरे पास है, किसी ने दिया है, तो ये आपके योग्य चीज है, मेरे तो कोई इसका मतलब कीमत नहीं, आप रखो। तो राजा बड़ा खुश हुआ और ले करके रानी को दे दिया। रानी पहनती है, सब महल की स्त्रियां दासियां सब कहती है रानी जी ये तो बहुत ही सुंदर कंगन है, लेकिन दूसरे हाथ का बनवाइए, दोनों हाथों की शोभा बढ़ेगी तो आपकी उपमा का कोई कहना सुनना ही नहीं रहेगा। तो राजा से बोली महाराज एक हाथ के कंगन की क्या शोभा है, दूसरा और बनवा के दीजिए। बोले अभी बनवा दूंगा। तो रामदास को बुलवाया, बोले रामदास के एक कंगन जैसा ये कंगन है ना, ऐसा ही दूसरा कंगन और लाओ, कहां से बनवा के लाए थे, किससे लाए थे वो लाओ। अब तो उसके होश उड़ गए, तो मतलब इधर उधर घूमता है, कुछ पता मतलब दिमाग नहीं काम करता, क्या करूं, क्यों कि उसने रैदास से कपट किया था, बतलाया नहीं कि गंगा माता ने कंगन दिया। फिर वहां गया जाकर के बैठ गया, तो बोले तीर्थों हुआ है रामदास जी, मिले ही नहीं आने के बाद में।
बोले भैया काम काज में ऐसे रहे। बोले ऐसे सुस्त क्यों रहे हो? बोले मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ, राजा का ये आदेश है, मेरे ऊपर एक महीने से झमेला आया हुआ है समझ लो, लेकिन अब 3 दिन की टाइम दिए, 3 दिन के अंदर या तो एक ऐसा ही कंगन लाके बतलाया, गंगा माता ने कंगन दिया था, उसने पूछा रहदास ने कि मेरा टक्का गंगा मैया को दे आया क्या, और कुछ कहा क्या? जो बोले क्या टक्का दिया है लेकिन कंगन दिया था, वो कंगन ऐसे ऐसे मैंने आपसे छिपा लिया और राजा को दे दिया, अब राजा दूसरा कंगन मांगता है तो मैं कैसे कहाँ से लाऊं क्या करूं, तो क्या तुम मुझे आप टक्का दीजिए तो मैं जाके गंगा जी से लेके आऊं। और बोले क्या बतलाऊं, समस्या में पड़ा हूं, 3 दिन की टाइम है, राजा मुझे सूली पे चढ़ा देगा, तूने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने आप जब मेरे को तीर्थों के लिए आप बुलाने आए थे, जब मैंने कुछ कहा था आपको याद है? बोले हाँ याद है। बोले क्या? बोले आपने कहा था कि तीर्थों में मैं नहीं जाऊंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं कठौती पास में रखता था, काट का कटुआ मतलब, उसमें से पानी ले करके वो जूते गांठता था, जूते बनाता था। तो बोलो कि ये तो आपने कहा था, मेरे को याद है। तो बोलो अब तेरी क्या समस्या? बोले मेरे को दूसरा कंगन चाहिए तो आप टक्का दीजिए, और वहां जाने की क्या दरकार है? कटुए को सरकाया तो नीचे मंद मंद गंगा जी बह रही है और कई कंगन पड़े हैं, लेकर के उसको दे दिया। बोले भैया देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मतलब क्या है भैया? भगवान की चीज के अंदर दिखावे भी बहुत होते हैं, वो होने भी जरूरी है, करते हैं बिगर मनोरंजन के पब्लिक को, मतलब आनंद नहीं आता है और अपने मन में भी उत्साह मना करके, लेकिन भक्ति कोई दिखाने की नहीं है, भक्ति अंदर का और भगवान का एक तार होता है समझ लो, भगवान और भक्त का एक ही एक लीला का मतलब वो चलता है। तो दुनिया में एक से एक भक्त हुए हैं, आज उन भक्तों की स्टोरियां कितने कितने बतलाएंगे, आप लोग उसको जानते भी हो समझते भी हो। देखो भक्तों का गिनती का कोई अंदाज नहीं है। एक साधु का आश्रम था, काफी चेले रहते थे, पास ही में एक गणिका रहती थी, तो उसको अपने धंधे से बड़ी नफरत हो गई कि सारी दुनिया भजन भाव करती है, मैंने ये क्या जीवन बिताया है, तो उसको उससे घृणा हो गई। तो उस आश्रम के आसपास वो घूमा करती थी, तो उसके आश्रम के साधु संत जो चेले थे, वो एक रोज एक चेले से बोली कि भैया तुम्हारे गुरुजी से मुझे भी गुरु, क्या करते हैं तुम्हारे गुरुजी? बोलो कैसे जाने देते हैं ये बतलाओ। तो उनसे बतलाया, गुरु मंत्र देते हैं, फिर ज्ञान की शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। तो बोली मुझे भी तुम्हारे गुरु से गुरु मंत्र दिला दो। तो उसने पता तो था ही कि ये स्त्री उस तरह की है, तो वो 4-5 रोज क्या 10-15 दिन उसको दिखाता गया, बोले गुरु जी को अभी टाइम नहीं है, गुरु जी को अभी टाइम नहीं है, लेकिन उसको लगन लग गई, उसको रोज वो पूछती, गुरु जी से पूछा गुरु जी ने क्या कहा, कब मुझे गुरु मंत्र देंगे? तो वो एक रोज क्या किया कि इससे फिट छुटाऊं, गुरु जी को जाके कहूंगा कि वो गुरु मंत्र मांग रही है तो मेरे पर क्या शंका करेंगे। तो अपनी आफत छुटाने के लिए उसने एक पिंजरा लिया और पिंजरे में काट का सूखा फिट कर दिया, बैठा दिया मतलब, और ले जा करके बोले देखो गुरु जी ने गुरु मंत्र देने के लिए ये कहा है कि इस सूखे को तुम रात दिन पढ़ाओ, क्या बोलोगी? सुगा बोल सीताराम, सुगा बोल सीताराम, सुगा बोल सीताराम। जब ये सुगा बोलने लग जाएगा उसी रोज तुमको गुरु मंत्र दिला दूंगा मैं, और उसमें तुम परिश्रम करो, परिश्रम के बाद में और मैं आप तुमसे फिर बातचीत करूंगा, पहले मुझे मत टोकना। तो ठीक है, वो ले जाकर अपने घर में रात दिन खाना पीना भी भूल गए, उसको तो भगवान की भक्ति की ऐसी लग गया मतलब चाहना कि मेरे को कब गुरु मंत्र मिले, कब मेरे को भगवान मिले। तो वो दिन रात सुगा बोल सीताराम, सुगा बोल सीताराम, सुगा बोल सीताराम, तो वो काठ का सुगा सीताराम 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 बोलने लगा। वो दौड़ के उसी कपड़े से ढका हुआ था वो पिंजरा लेके उस आश्रम के पास उसी मतलब चेले की बाट देखने लगी और बोले भैया इधर आ इधर आ। बोले क्या बात है? बोले देखो मेरा सुगा बोलने लगा। उसने कुछ सुगा बोलने लगा, सुगा तो काट का था, तो उसने खोल के कपड़ा दिखाया और बोले सुगा बोल सीताराम, सुगा बोल सीताराम। तो वो सीताराम सीताराम सुगा बोल रहा है।
दौड़ के गुरु जी के पास जा करके और सारा हाल बतलाया कि देखिए ऐसे मैंने डर के मारे नहीं कहा और ऐसे वो गणिका ने मेरे को कहा था गुरु मंत्र दिलाओ, मैंने एक पिंजरे में सुगा बैठा करके काटका दे दिया मेरी आफत छुटाने के लिए, आपके भय से यहाँ नहीं लाया कि आप क्या कहेंगे कि तेरी उससे जान पहचान क्यों हुई। तो गुरु जी बोले उसको यहाँ ले आओ। अब वो मतलब उसको क्या गुरु मंत्र देंगे, वो तो सबकी गुरु और भगवान की भक्ति में नहीं लोभी भैया। तो जा करके उसको लेकर के आए, बोले गुरु जी अब गुरु मंत्र दे दो मुझे। बोले गुरु मंत्र तो तू अब सबकी गुरु हो गई, अब और क्या चाहती। बोले अब मेरे जल्दी से जल्दी प्राण छूट जाए, मैंने बहुत बहुत कुकर्म किए हैं और गुरु जी अब मेरे शरीर की मुझे चाहना नहीं रही, भजन भी आपकी कृपा से आप बोलते हैं कि मतलब तू तर गई। तो सच्चा प्रेम प्रभु में हो तो मूर्त बोले काट की, काट का सुग्गा था वो सीताराम बोलने लगा और उस गणिका का हाथ की हाथ शरीर छूट गया। तो भैया एक से एक भरे पड़े हैं संसार में, लेकिन भाव भक्ति दिखाने के नहीं होते हैं। भगवान सब कुछ जानते, उनके सामने हम क्या नाटक करेंगे, क्या दिखावा करेंगे। दिखावे की भी होती है, ऐसी बात नहीं है, भजन कीर्तन दिखाना सजाना ये सब होता, लेकिन अंदर की भक्ति किसी को दिखानी नहीं है। कोई भेषधारी साधु नहीं है, साधना का नाम साधु है। महात्मा महात्मा शब्द है, महात्मा कहते हैं, लेकिन असल में पूछो तो महान आत्मा उसको महात्मा कहा जाता है। तो भगवान की भैया बाबा जी की लीला में एक से एक चमत्कार, एक से एक भक्तों को आशीर्वाद, लेकिन यहाँ दिखावा नहीं।